आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। परशुराम जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, सर्व ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि हुए शामिल। सनावत भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर नगर में ब्राह्मण समाज एवं परशुराम सेना द्वारा एक दिवसीय आयोजन के साथ कार्यक्रम कर मनाया गया। इसके पूर्व नगर में शोभा यात्रा निकाली, समापन पर भगवान परशुराम की आरती उतारी गई। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन सहित बड़ी संख्या में महिला शामिल रही। क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आयोजन में शामिल होकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के युवाओं द्वारा भव्य आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत विशाल शोभा यात्रा गणेश मंदिर से निकली। शोभा यात्रा के आगे बैंड अश्व पर बैठे समाज के युवा और भजन मंडलियां, जिसमें महिला पुरुष भजन गाते चल रहे थे। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। करीब 3 घंटे में शोभा यात्रा मुरली मनोहर कुंज पहुंची, जहां भगवान परशुराम की आरती कर आयोजन के संपन्न होने के साथ ही प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान न्यायाधीश पूर्वी तिवारी, TI इंद्रेश त्रिपाठी, CMO राजेंद्र मिश्रा सहित बाविसा ब्राह्मण समाज, नारमंदी ब्राह्मण समाज, सिखवाल ब्राह्मण समाज सहित सर्व ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि इस दौरान शामिल हुए। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। आयोजन के समापन पर समाज जनों ने इस तरह के आयोजन होने और परस्पर सभी समाजों को एक साथ रहने की बात का आह्वान किया। इस दौरान आयोजन समिति के युवराज शर्मा, डॉक्टर ब्रजमोहन दुबे, श्याम दफ्तरी, अखिलेश जोशी, मनोज गीते, अंशुल खेड़े, जय करहे, अप्पू पुरोहित, नीरज व्यास, कमलेश पगारे, अनिकेत जोशी, शिवम गावशिंदे, विकास व्यास, श्याम जोशी, ओम प्रकाश शर्मा, महिला समिति की विजेता व्यास सहित बड़ी संख्या में वे प्रजन मौजूद रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।